जिनको तबाह किया है, जो गरीबों का सपना मिटाया है, उन सपनों को मैं साकार करूंगा। एचएस पाटिल को साथ में लूंगा, हमारे जेरी भाई है, हमारे गिरी नायर है, हमारे सभी पांडे जी है, हमारे सभी लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों को साथ में लूंगा और सब गरीबों को वापस घर बनाऊंगा और आपको वो चाबी देने के लिए बुलाऊंगा, बिल्डिंग की चाबी। तो मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को एक ही बात कहता हूं, 15 तारीख है, 15 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन के दिन इधर उधर बिल्कुल मत देखिए। धनुष बाण का बटन, जो 2 नंबर का बटन है, वो बटन का दबाइए और आदरणीय शिवसेना प्रभु का सपना साकार कीजिए और वहां पे जो महाराष्ट्र में है, हमारा भगवा झंडा, भगवा ध्वज जो है फैलाना चाहिए। महाराष्ट्र में हमारा सब लोगों का मुख्यमंत्री होना चाहिए, महंगाई हमारी कम होनी चाहिए, रोजगारी हमारी बढ़नी चाहिए। इसके लिए ऐसा सरकार हमको चुन के देना है और उसके लिए इस परिसर से आपको प्रताप सरनाय को चुन के देना है, इतना मैं आपको कहता हूँ। मगर एक बार एक ही बात कहूंगा, अगर कभी हमारे उत्तर भारतीयों के ऊपर आ जाएगी हम उसके पीछे रहेंगे। एक मैंने थोड़ा सा बात मीरा भाईंदर ने कहा है कि अगर उत्तर भारतीय कभी भी उनके ऊपर आ जाएगी तो प्रताप सरनाय या शिवसेना खड़े रहेंगे, तो उत्तर भारतीय के सम्मान में शिवसेना मैदान में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद। धन्यवाद शुक्ल जी, नगर सेवक जी, खेसारी लाल जी। देखिए खेसारी लाल और उनकी कोई बुराई नहीं की जा सकती जो भगवान शिव से जुड़ा। तो एक शिव की परिभाषा है शिव का सेना, तो ये शिव के सेना है। अत्याचार जब भी हुआ है भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया है, तो जब भी उत्तर भारतीयों पर अत्याचार होगा तो हमारे सुर्गे भी और एक नाथ शिंदे जी और शिव की सारी सेना जो होगी हमारे उत्तर भारतीयों की रक्षा करेगी, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं उत्तर भारतीय का एक बेटा हूँ और एक नाथ शिंदे जी बड़ी मोहब्बत देते हैं मुझे, जब भी जाता हूँ सारी मीटिंग छोड़ के उत्तर भारतीय के नाम पे ये भागे बोलते हैं कि आ रहा है मेरा बेटा आया। इससे बड़ी खेसारी लाल यादव के लिए क्या हो सकती है। आज इस जमीन ने मुझे इतनी बड़ी रुतबा दी, महाराष्ट्र की धरती ने खेसारी को एक स्टेज दिया, एक सिनेमा दिया, एक पर्दा दे दिया। शायद मैं महाराष्ट्र की धरती का आजीवन शुक्र गुजार रहूंगा और मैं चाहूंगा कि हे भगवान फिर से मुझे उत्तर भारतीय ही बनाना और हीरो बना के भेजना था कि महाराष्ट्र की धरती पे छोड़ी के कितना